हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। उसके पहले दोस्तों, मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को लेके आता हूँ। स्टॉक का क्या नाम है? स्टॉक का नाम है PFCY पावर फाइनेंस, और 3 मंथ का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और एक एनालिसिस करके रखी है दोस्तों कि आने वाले टाइम में लेवल्स भी निकाल के रखे हैं मैंने कि आने वाले टाइम में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। मैं रीजन लॉजिक हर एक चीज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, डेली मैं कुछ बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ और आप लोग देख देख के सभी चीजों को सीख सकते हो और समझ सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अभी PFC का एक चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था आने वाले टाइम में PFC किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 185 नंबर का एपिसोड है, 1 मंथ आगे मैंने आप लोगों को बता दिया था। वीडियो को अगर मैं ऑन करूँ तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे एग्जैक्टली आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से एक मोमेंटम दिख सकती है आप लोगों को। नियर बाय 156 के भाव के आसपास ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्टॉक क्या करेगा, एक ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा 153 का भाव, उसके बाद में नीचे आएगा थोड़ा, उसके बाद में अपसाइड की मोमेंटम आप लोगों को दिखा सकता है। तो एंट्री पॉइंट हमारी क्या होने वाली है, नियर बाय मैंने आप लोगों को बता दिया था 147 के भाव के आसपास हम लोग इसके अंदर एंट्री के बारे में प्लान करने वाले। तो अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे 147 के भाव के आसपास मैंने आप लोगों को एंट्री के बारे में बताया था। नियर बाय अगर आप लोग देखोगे एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास स्टॉक आया और फिर से अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को अभी डिटेल में एनालिसिस बताता हूँ किस तरीके से इसके अंदर आने वाले टाइम में मोमेंटम दिख सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे ना तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। फर्स्ट टाइम ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था, टाइम फ्रेम बहुत लंबा है दोस्तों, 3 मंथ का टाइम फ्रेम है और अभी नियर बाय 20 दिन है इस कैंडल को क्लोज होने के लिए। और अभी स्टॉक के अंदर जो है ना, मुझे वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और कैंडल भी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक बहुत बढ़िया अपर साइड की मोमेंटम करते ही साथ अच्छी खासी क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर देने वाला है। और सेकंड टाइम की बात करें तो यहाँ पे इसने फिर से रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम देखोगे दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फोर्थ टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे से कंटिन्यू सपोर्ट उठा रहा था तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ये काम कर रहा था। अभी अगर आप लोग देखोगे तो वोलेटिलिटी जो है ना नैरो होती जा रही थी और अभी इसका ब्रेकआउट का टाइम था दोस्तों, और इसने ब्रेकआउट किया नियर बाय। और अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टॉक के अंदर जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं नियर बाय, अपना 190 के पास के आसपास का टारगेट दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोगों को दिख सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो नियर बाय 130 के भाव के आसपास के अंदर आप लोगों को स्टॉप लॉसेस लगा के रखने हैं, 190 के भाव के पास जाएगा, उसके बाद में 240 और उसके बाद में 287, ये 3 टारगेट मेरे इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत छोटा है 129, और 12% लोअर साइड के साथ 94% की अपसाइड में स्टॉक के अंदर देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है दोस्तों आने वाले टाइम में स्टॉक बहुत बढ़िया निकल के आप लोगों को रिटर्न देगा। स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत स्टॉक है, स्टॉक का डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है दोस्तों आने वाले टाइम में स्टॉक आप लोगों को तगड़ा रिटर्न निकाल के देने वाले। इसी तरीके के एनालिसिस दोस्तों डेली में अपने चैनल के ऊपर लेके आता हूँ, और डेली जो स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में घूम सकते हैं या इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है बीटन डाउन स्टॉक्स, तो मैं आप लोगों को उसके एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। जो लोगों के आपके पास स्टॉक्स पड़े अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताया तो मैं आप लोगों को वो हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग देख देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों। इस तरह के कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।